नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है पत्नी का सम्मान पति की जिम्मेदारी है। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। कहानी चोरों के लिए विशेष सूचना, ये एक स्वरचित कहानी है। इसे चोरी करके अन्य चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। रविवार का दिन था। रविवार के दिन सुमित और वैशाली का हर काम थोड़ा आराम से ही होता था, क्योंकि सप्ताह में एक दिन तो ज्यादा देर तक सोने को मिलता था, इसलिए वो दोनों सुबह देर से उठते थे, जिसके कारण हर काम थोड़ा देर से ही होता था। आज भी नाश्ता करते करते 10 बज गए थे। वैशाली अभी लंच में कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वैशाली ने सोचा कि इतनी सुबह कौन आ गया, सुमित तो नहा चुका था। लेकिन वैशाली अभी नाइट गाउन में ही थी, उसका नहाना अभी बाकी था। सुमित ने दरवाजा खोलने से पहले बाहर झांक कर देखा तो उसके कुछ दोस्त बाहर खड़े थे। उसने वैशाली को बताया तो वैशाली ने कहा, अरे बाप रे, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूं। एक काम करो, मैं झटपट नहाने चली जाती हूँ, तब तक तुम अपने दोस्तों को संभालो। वैशाली फटाफट कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। जब तक वैशाली नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई, तब तक सुमित अपने दोस्तों को चाय बनाकर दे चुका था। वैशाली बाहर आई तो सब दोस्तों ने वैशाली को नमस्ते किया। एक दोस्त बोला, भाभी जी, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो आपके हाथों का कुछ स्पेशल लंच मिल जाए तो मजा आ जाए। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर। मैं भी अभी लंच की तैयारी करने ही जा रही थी, आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वैशाली झट से रसोई में घुस गई और लंच की तैयारी करने लगी। उसने सोचा, आलू दम पूरी और सेवई बना देती हूँ। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसने आलू उबालने के लिए रख दिए, पूरी का आटा लगा लिया और सेवई के लिए दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया। तब तक उसने सोचा कि थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ जाती हूँ, इनके दोस्तों को कहीं बुरा न लग जाए। अभी रसोई से बाहर कदम रखी रही थी कि तभी उसके कानों में सुमित के एक दोस्त की आवाज पड़ी। वो सुमित से मजाक करते हुए बोल रहा था, अरे यार, भाभी का वजन तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ लग रहा है। तभी दूसरा बोल पड़ा, सही बात है, पिछली बार तो भाभी थोड़ी ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन इस बार तो और ज्यादा मोटी लग रही है। इतना बोलकर सभी दोस्त अपने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए भी हंस पड़े। तभी तीसरा बोल पड़ा, अरे यार, भाभी जी के खाने पीने का ध्यान रखा करो, ऐसे ही मोटी होती जाएंगी तो गृहस्थी की गाड़ी का एक पहिया इतना मोटा होगा कि तुम्हारी गाड़ी डगमगाने लगेगी। इस बात पर सभी खुलकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी बातें सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। वो शुरुआत से ही थोड़े भरे शरीर वाली थी, उसे खुद भी खुद का मोटापा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर पा रही थी, तो इसमें उसकी क्या गलती थी, वह सोचने लगी। मुझे कोई शौक थोड़ी ना है मोटा होने का, अब मेरा वजन कम नहीं होता तो मैं क्या करूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सुमित बोल पड़ा, क्या बात है यार, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। उसके दोस्त ने मस्ती करते हुए कहा, क्यों, तुझे बुरा लग गया क्या। सुमित की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपने क्रोध को पीते हुए गुस्से को नियंत्रित किया और बोल पड़ा, देखो, हमें कोई अधिकार नहीं हम किसी के शारीरिक बनावट पर इस प्रकार का भद्दा कमेंट करें। ऊपर से तुम लोग मेरे सामने ही मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रहे हो। वह मोटी है या पतली है, इससे तुम लोगों को क्या करना है। वह जैसी भी है मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, और मुझे क्या चाहिए। इंसान की शारीरिक बनावट कैसे भी हो, उसका दिल साफ होना चाहिए और उसका मन सुंदर होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसके सारे दोस्त शर्मिंदा हो गए और सभी एक साथ माफी मांगने लगे। एक दोस्त बोल पड़ा, हमें माफ कर दो यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे। और मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल गए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सुमित ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी उसकी नजर रसोई के बाहर खड़ी वैशाली पर पड़ी। सुमित से नजरें मिलते ही वैशाली रसोई में वापस चली गई।
सुमित पीछे से रसोई में आया और वैशाली का उदास चेहरा और भरी हुई आंखें देखकर सब समझ गया। उसने उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, उनकी बातों का बुरा लग गया क्या? वैशाली झट से उसके सीने से जा लगी और सिसकते हुए बोली, ऐसी बातें तो सुनने की आदत हो गई है, लेकिन आज जिस तरह आपने अपने दोस्तों के सामने मेरे लिए आवाज उठाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमित ने प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, कैसे आवाज नहीं उठाता मैं, आखिर पत्नी के सम्मान की जिम्मेदारी पति की ही होती है ना। पति के सामने पत्नी को कोई कुछ भी सुना दे और पति चुपचाप खड़ा देखता रहे, वो पति किस काम का? तुम्हारे सम्मान में ही मेरा सम्मान है। अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे सम्मान पर प्रहार कर रहे हैं। सुमित की बातें सुनकर वैशाली के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। वो सोचने लगी, कितना अच्छा पति है मेरा, ऐसा जीवन साथी पाने के तो हर लड़की सपना देखती है। उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खुशी खुशी लंच बनाने लगी। दोस्तों, पति हो या पत्नी, अगर उनके सामने कोई उनके जीवन साथी का मजाक उड़ाता है या उनके बारे में कुछ गलत बोलता है तो उनके सम्मान की जिम्मेदारी जीवन साथी की ही होती है। उसके लिए उन्हें आवाज जरूर उठानी चाहिए। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।